हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक मजेदार कहानी। कहानियाँ हमारी सोच को देती है नए पंख। तो चलिए तैयार हो जाइए अपने नए पंखों के साथ मेरी कहानियों की दुनिया में उड़ने के लिए। ये है पेंसिल, ये है रबर और ये है कटर। आप तो इनको जानते ही होंगे। एक बार पेंसिल, रबर और कटर के बीच में बहुत बहस हो रही थी कि हम में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है। पेंसिल ने कहा, मैं सबसे इम्पोर्टेंट हूँ क्योंकि लिखने के काम तो मैं ही आती हूँ। रबर ने कहा, लेकिन जब तुम्हारी गलतियाँ होती है तो उसे सुधारता कौन है? मैं ही सुधारती हूँ ना, तो तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो मैं हुई। तभी कटर ने कहा, अरे पेंसिल, जब लिखते लिखते तुम्हारी नाक घिस जाती है तो तुम्हें काम के लायक फिर से लिखने के लायक कौन बनाता है? मैं ही बनाता हूँ ना, तो तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो मैं हुआ। तीनों आपस में लड़ने लगे, मैं सबसे इम्पोर्टेंट हूँ। तभी क्लास में आ गई चुमकती चुमकती प्यारी सी नोटबुक। नोटबुक के आते ही पेंसिल, रबर और कटर ने कहा, बताओ नोटबुक, सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? मैं हूं ना। नोटबुक ने हंसते हुए कहा, हा हा हा, अरे पेंसिल, रबर और कटर, जरा ध्यान से सुनो मेरी बात। तुम तीनों से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो मैं हूँ, क्योंकि अगर नोटबुक ही नहीं होगी तो पेंसिल लिखेगी किसमें, रबर मिटाएगी किसमें और कटर पेंसिल को छील के करेगा क्या? इसलिए तुम तीनों से ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं हूँ, इसलिए लड़ना बंद करो और मेरे साथ रहो। कहानी हो गई आज खत्म। लेकिन आज आपने इस कहानी से सीखा क्या? हमने इस कहानी से सीखा कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। तो आज से आप लोग भी मिलजुल कर रहेंगे, है ना? अगर आपको ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ सुननी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बाय बाय।